समुद्र का नीला पानी आखिर किसे नहीं पसंद, तभी तो लोग इसकी लहरों का लुप्त उठाने के लिए इसकी ओर खींचे चले आते हैं और इसमें डुबकी लगाकर इसकी गहराइयों में जा पहुंचते हैं। और फिर वहां पहुंचने के बाद देखने को मिलता है कुछ ऐसा नजारा जो किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी है। तरह तरह के अनदेखे जीव आपकी आंखों के एकदम सामने से होकर गुजरते दिखाई देंगे। इनमें से कुछ जीवों को देख कर तो काफी डर भी लगता है, क्योंकि हमने हमेशा से ही फिल्मों में कुछ ऐसे खूंखार जीवों के किस्से और कहानियों के बारे में सुना है जो मौका मिलने पर किसी को भी नहीं छोड़ते। बस इसी वजह से समुद्री जीवों को लेकर हमारा ये डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन डरिए नहीं, क्योंकि आज मैं आपको समुद्र के ये जानलेवा जीव नहीं बल्कि कुछ ऐसे जीव दिखाने वाला हूँ जो काफी डरावने होने के बाद भी इंसानों को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं समुद्र की गहराइयों में और एक नजर डालते हैं इंसानों से दोस्ती करने के लिए बेताब इन जीवों के ऊपर। सो लेट्स बिगिन। नंबर 10, व्हेल शार्क। अब शार्क शब्द सुनने के बाद आप कहेंगे कि शार्क और इंसानों की दोस्ती ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि शार्क्स हर साल न जाने कितने ही इंसानों को मौत के घाट उतार देती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शार्क्स की कुछ ऐसी प्रजातियां भी है जिससे इंसानों को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं, और उन्ही प्रजातियों में से एक है व्हेल शार्क। हालांकि ये शार्क्स की तरह ही आकार में काफी बड़े और दिखने में बहुत ही खूंखार दिखाई देते हैं, लेकिन बाकी की शार्क्स से विपरीत व्हेल शार्क बहुत ही शांत स्वभाव की मानी जाती है और इंसानों का साथ भी बहुत पसंद करती है। इसी वजह से लाखों लोग हर साल करीब 50 फीट बड़ी इन शार्क के साथ स्विम करने के लिए समुद्र की गहराइयों में जा पहुंचते हैं। आकार में इतनी बड़ी होने के बावजूद भी व्हेल शार्क सिर्फ और सिर्फ समुद्र की छोटी मछलियों और पौधों को ही अपना भोजन बनाती है, और भोजन के लिए ये मछली फिल्टर फीडिंग तकनीक का सहारा लेती है। ऐसे में इनके मुंह से एक मधुर आवाज सी निकलती है जिसे व्हेल सॉन्ग के नाम से जाना जाता है, और जैसे ही कोई इंसान इनके पास पहुंचता है तो पहले तो ये उसको ऊपर से लेकर नीचे तक देखती है, लेकिन थोड़ा समय बीत जाने के बाद ये उसे छूने देती है और उसके साथ खेलती कूदती भी है। व्हेल शार्क के इतना फ्रेंडली होने की वजह से ही दुनिया भर के कई देशों में इनके साथ खेलने के लिए कुछ स्पॉट भी बनाए गए हैं। नंबर 9, बॉटल नोज डॉल्फिन। कुत्तों के अलावा अगर इंसानों को किसी और अन्य जीव से गहरी दोस्ती रही है तो वो है डॉल्फिन, जो कि जानी जाती है अपनी इंटेलिजेंस के लिए। कहा जाता है कि समुद्र में इससे तेज दिमाग वाला कोई दूसरा जीव नहीं, जिसके चलते इसे किसी भी तरह का काम करने के लिए ट्रेंड भी किया जा सकता है। और समुद्र में मौजूद यही एकमात्र ऐसा जीव है जो अलग अलग आवाजों के जरिए अपने साथियों से बातचीत भी करती है। डॉल्फिन की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि एक बार जिस भी इंसान को देख ले उसका चेहरा जिंदगी भर नहीं भूलता। और तो और, इसे इंसानों का साथ इतना पसंद है कि कई बार ये तो समुद्र के तट पर इंसानों को देखने और उनके साथ खेलने के लिए भी चली आती हैं। यहाँ तक कि कई बार तो इन्हें इंसानों की तरह ही स्माइल करते हुए भी देखा जाता है। अगर आपको पानी के अंदर तैरते समय कोई डॉल्फिन दिखाई दे जाए तो यकीन मानिए आपको उससे किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होने वाला, बल्कि वो आपको अपने साथ खेलने के लिए आमंत्रित करने लगेगी और आपको डॉल्फिन के साथ तैरने का मौका भी मिलेगा। अब बेशक ये इंसानों पर कितना भी भरोसा क्यों न कर ले, पर इंसान है जो भरोसे के लायक ही नहीं, क्योंकि इंसानों को अक्सर इन बेजुबा जानवरों को अपने फायदे के लिए कैद करके रखते हुए देखा जाता है और लोगों का मनोरंजन करने की आड़ में चंद पैसे कमाने के लिए इनसे काफी जोखिम भरे करतब दिखाए जाते हैं, जो कि किसी भी लिहाज से सही नहीं। नंबर 8, मैंटा रेस। अब जरा एक नजर डालिए समुद्र में तैरती इस चीज पर। नहीं, ये कोई पतंग नहीं बल्कि ये एक तरह का सी क्रीचर है जिसे मैंटा रेस के नाम से जाना जाता है। मैंटा रेस चर्चा में तब आई जब इंटरनेट पर इसकी ये पिक्चर वायरल होने लगी जिसमें इसने एक लड़की को पीछे से पकड़ा हुआ है। लेकिन डरिए नहीं, ये इस लड़की को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाली, बल्कि ये तो इस लड़की के साथ खेलना चाहती है, और वो लड़की है कि इसके डरावने चेहरे को देखकर डर गई। मैंटा रेस जानी जाती है अपने शांत और फ्रेंडली स्वभाव के लिए। इसे इंसानों से दोस्ती करना भी बहुत पसंद होता है, यही कारण है कि इसे सी एंजल नाम से भी पुकारा जाता है। इतना ही नहीं, समुद्र में कई बार कुछ ऐसे किस्से भी सामने आए हैं जब इन मछलियों को इंसानों की मदद करते हुए भी देखा गया है। आकार में 30 फीट के करीब हो जाने के बावजूद भी मैंटा रेस काफी लंबे समय तक पानी के बाहर हवा में उड़ सकती है, और इनके उड़ते समय ये नजारा देखने में काफी लुहावना दिखाई देता है। नंबर 7, सी लायन। करीब 363 किलोग्राम वजनी माना जाता है। ये दिन में आधा समय पानी के अंदर और आधा समय पानी से बाहर यानी कि जमीन पर बिताना पसंद करते हैं। साथ ही इन्हें झुंड में रहना भी काफी पसंद होता है। सी लायन का पसंदीदा भोजन है मछली, जिन्हें ये बिना चबाए सीधे ही निगल जाते हैं। अब चाहे लायन क्यों ना हो, लेकिन इनसे इंसानों को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं, बल्कि ये तो इंसानों का साथ काफी पसंद करते हैं। कई देशों में तो टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए भी इन्हें रखा जाने लगा है, जहां पर आप के साथ खेलने के साथ साथ तैराकी का मजा भी ले सकते हैं। और तो और, अगर इन्हें आपका साथ काफी पसंद आया तो ये अपने फ्लिपर के साथ हाई फाई या फिर हैंडशेक भी करेंगे। ये सी लायंस कितने फ्रेंडली होते हैं इस बात का अंदाजा इस वीडियो को देखकर ही लगाया जा सकता है। नंबर 6,
ग्रे व्हेल। वैसे तो पैसिफिक ओशन में पाई जाने वाली इन ग्रे व्हेल्स को काफी खतरनाक माना जाता है, जो कि काफी हद तक सही भी है क्योंकि इन्होंने इंसानों पर कई बार हमला भी किया है, लेकिन फिर भी इन्हें आजकल इंसानों का दोस्त भी माना जाने लगा है और दूर दूर से लोग इन्हें देखने और इनके साथ खेलने के लिए इनकी ओर खींचे चले आते हैं। दरअसल ये व्हेल्स तब तक के लिए किसी के लिए किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं जब तक वो इंसान इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। वैसे तो व्हेल्स काफी शांत स्वभाव की होती हैं और अपने आसपास इंसानों की मौजूदगी को काफी एंजॉय भी करती हैं, लेकिन कई बार जब कुछ मनचले इन्हें परेशान करने लगते हैं तो ये व्हेल बड़ी आसानी से अपना आपा खो देती है और उस इंसान को सबक सिखाकर ही मानती है। अब पानी के अंदर ये मछली आपकी दोस्त बनेगी या फिर दुश्मन, ये बात पूरी तरह से आपके द्वारा इसके साथ किए गए बर्ताव पर ही निर्भर करेगी। और अगर एक बार इसने आपको अपना दोस्त मान लिया तो ये अपनी दोस्ती को उम्र भर निभाने के लिए जानी जाती है। नंबर 5, सनफिश। अब मिलिए कुदरत के एक नए अनोखे अजूबे से जिसका नाम है सनफिश। ये मछली आकार में काफी बड़ी हो जाती है। आपको इसके आकार के अंदाजे के लिए बता दूं कि एक पूरी तरह से एडल्ट सनफिश करीब 1000 किलोग्राम तक वजनी हो सकती है। इन्हें समुद्र की सतह पर पड़ने वाली धूप काफी पसंद होती है, जिसके चलते ये दिन भर का ज्यादातर समय समुद्र की सतह पर धूल में नहाकर बिताती हैं। और अंडे देने के मामले में तो इनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शामिल है। सनफिश एक ही बारी में दुनिया में किसी भी अन्य जीव से कहीं ज्यादा पूरे 30 करोड़ अंडे देती है और इसके तैरने का तरीका भी बाकी मछलियों से काफी अलग होता है। ये तैरने के लिए अपने साइड्स के फिन्स का इस्तेमाल न करके अपने एनल और डोर्सल फिन का इस्तेमाल करती है और इसके साथ ही इसका स्वभाव भी काफी शांत होता है। जब भी कभी कोई इंसान समुद्र में इसके पास से होकर गुजरता है तो ये उसकी तरफ खींची चली आती है, मानो ये जैसे उससे दोस्ती करना चाहती हो। और इंसानों के द्वारा खुद को छुए जाने पर भी ये बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती। नंबर 4, मैनेटी। अब बात करते हैं एक ऐसे जीव की जिसे समुद्र में रहने वाली काऊ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका रंग रूप और आकार किसी गाय की तरह ही होता है, लेकिन अपने आकार से एकदम विपरीत मैनेटी किसी बड़े जीव के जैसी कोई भारी आवाज नहीं बल्कि किसी चिड़िया की तरह ही चींची की आवाज निकाला करती है। मैनेटी पूरी तरह से वेजिटेरियन होते हैं और सारा दिन पानी में तैरते हुए समुद्री घास को खाकर अपना पोषण करते हैं। इन्हें काफी बेहतरीन स्विमर भी माना जाता है, लेकिन सांस लेने के लिए इन्हें हर थोड़े समय के बाद समुद्र की सतह पर आना ही पड़ता है, जहाँ से ये अपनी नाक को बाहर निकालकर काफी मात्रा में हवा को अपने फेफड़े में भर लेते हैं। मैनेटी अपने जीवन का अधिकांश समय जोड़ों में रहकर ही व्यतीत करते हैं। अब सवाल आता है कि इतना विशालकाय जीव इंसानों का आखिर दोस्त कैसे हो सकता है? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैनेटी से इंसानों को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं, बल्कि इन्हें इंसानों का साथ काफी पसंद होता है। ये इंसानों द्वारा स्पर्श किए जाने पर बहुत उत्साहित हो जाते हैं और उन्हें अपने साथ स्विम करने के लिए आमंत्रित भी करते हैं। इंसानों के प्रति इतना लगाव देखते हुए दुनिया भर में कई स्थानों पर इनके साथ घुलने मिलने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। नंबर 3, सी टर्टल। टर्टल को इंसानों को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं, ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन सी टर्टल्स कितने फ्रेंडली जीव हैं इस बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना हो। हालांकि टर्टल काफी शर्मीले होते हैं और दूसरे जीवों के संपर्क में आने पर अपनी शेल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन सी टर्टल को इंसानों के साथ काफी कम्फर्टेबल और सुरक्षित महसूस होता है। यहां तक कि ये इंसानों से खाना लेने के लिए उनकी ओर खींचे चले आते हैं। और हाल ही में की गई एक स्टडी से पता चला है कि अगर एक बार किसी इंसान ने इन्हें कुछ खिला दिया तो ये टर्टल अपनी पूरी लाइफ में उन्हें कभी नहीं भूलते और समुद्र में उस इंसान से फिर से मिलने का इंतजार भी करते हैं। नंबर 2, ऑटर। ऑटर भी एक ऐसा स्तनधारी है जो पानी के साथ साथ धरती पर भी रह सकता है। इसे झुंड में रहना काफी पसंद होता है और ये ज्यादातर समय अपने साथियों के साथ खेल कूद करके ही बिताता है। ऑटर को मछली खाना भी बहुत पसंद है, जिसका शिकार करने के लिए ये अपने हाथों के साथ साथ नुकीले दांतों का भी इस्तेमाल करता है। वैसे तो ऑटर भी काफी शर्मिला जीव है और इंसानों को देखते ही छुप जाता है, लेकिन अगर एक बार कोई इंसान इसे पसंद आ जाए तो ये उसके साथ जिंदगी भर की दोस्ती कर लेता है। ऑटर के इसी स्वभाव को देखते हुए दुनिया भर में कई लोगों द्वारा इसे घरों में पाला भी जाने लगा है। नंबर 1, बलूगा व्हेल। जब बात हो रही हो समुद्र में मौजूद सबसे फ्रेंडली जीवों की और उस लिस्ट में बलूगा व्हेल का नाम न लिया जाए ऐसा तो हरगिज हो ही नहीं सकता। छोटी मछलियों को खाकर अपना गुजारा करने वाले ये व्हेल देखने में काफी सुंदर दिखाई देती हैं और इन्हें इंसानों से कुछ खास ही तरह का लगाव भी होता है। इंसानों को देखते ही ये खुशी से पागल होकर नाचने लगती हैं। इनकी खुशी का अंदाजा इनके चेहरे के बदले एक्सप्रेशंस को देखकर ही लगाया जा सकता है। साथ ही ये मछली काफी बुद्धिमान भी होती है और इसे बड़ी ही आसानी से ट्रेंड
भी किया जा सकता है। इनकी बुद्धिमत्ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये पानी के अंदर फेंकी जाने वाली बॉल को एक ट्रेंड किए गए कुत्ते की तरह ही वापस लाकर भी देती हैं। कहा जाता है कि इस मछली को खास तौर पर छोटे बच्चे ज्यादा पसंद होते हैं, जिन्हें देखकर वो पानी से बाहर निकलकर उन्हें गले लगाती है और उन्हें किस भी करती है। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये समुद्री जीव? आप इनमें से कौन से जीव के साथ दोस्ती करना पसंद करोगे, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, जल्दी ही मिलता हूं आपसे ऐसे ही एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे यूनिवर्स एडवेंचर की फैमिली का हिस्सा।